महाराष्ट्र के पुणे में बीजेपी के अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाविकास आघाड़ी के नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे समेत कई नेताओं पर निशाना साधा। वहीं अब एमवीए की तरफ से अमित शाह पर पलटवार किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सुप्रिया सुले ने कहा, शरद पवार के बारे में बात किए बिना कोई हेडलाइन नहीं बनती। मैं अमित शाह को याद दिलाना चाहूंगी कि पवार साहब को उनकी ही सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। भ्रष्टाचारी नेता आज अमित शाह की बीजेपी के प्रदेश मंत्री या पदाधिकारी है। आज के मंच पर हमारे साथ काम कर चुके अशोक चौहान शाह के पीछे बैठे दिखे, जिन पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने ही चक्की पीसिंग की लाइन ली थी, इसकी आप खुद ही जांच करें। महाराष्ट्र के पुणे में बीजेपी के अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाविकास आघाड़ी के नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे समेत कई नेताओं पर निशाना साधा। वहीं अब एमवीए की तरफ से अमित शाह पर पलटवार किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सुप्रिया सुले ने कहा, शरद पवार के बारे में बात किए बिना कोई हेडलाइन नहीं बनती। मैं अमित शाह को याद दिलाना चाहूंगी कि पवार साहब को उनकी ही सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। भ्रष्टाचारी नेता आज अमित शाह की बीजेपी के प्रदेश मंत्री या पदाधिकारी है। आज के मंच पर हमारे साथ काम कर चुके अशोक चौहान शाह के पीछे बैठे दिखे, जिन पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने ही चक्की पीसिंग की लाइन ली थी, इसकी आप खुद ही जांच करें।